Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So, आज 10 सितंबर है. बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ. हमारी पहली न्यूज है जीएसटी से रिलेटेड, दैट इज GOM टू डिसाइड ऑन टैक्स ऑन हेल्थ लाइफ कवर्स सून. बेसिकली जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी जिसके अंतर्गत डिस्कस की गई चीजें, जिसके लिए उन्होंने GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म की है कमेटी, जो कि डिसाइड करेगी, एनालाइज करेगी चीजों को कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस वाले हेल्थ इंश्योरेंस की चीजों के लिए जो टैक्स स्लैब अभी तक हाईएस्ट है उसे कम करने की जरूरत है या नहीं. डिस्कस करते हैं जीएसटी को डिटेल से. जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन. जीएसटी क्या है? ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि वैल्यू एडेड टैक्स का फॉर्मेट यूज करता है. इस टैक्स के अंतर्गत क्या किया गया है? पहले 2017 के पहले अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ही सेल्स टैक्स अलग हो गया, एक्साइज टैक्स अलग हो गया, और वैल्यू एडेड टैक्स अलग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स अलग. इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था. सो उन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके, सबको एक साथ करके एक टैक्स चालू किया गया जिसे बोला जाता है जीएसटी. जीएसटी को कंज्यूमर्स के द्वारा ही पे किया जाता है. जैसे कि अगर मैं कोई चीज परचेस करने जा रही हूँ, एक शॉप जा रही हूँ, बिस्किट का पैकेट परचेस करके आ रही हूँ, तो वो टैक्स जो होगा पे तो कंज्यूमर के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन उसे आगे प्रोसीड करने का काम बिजनेसमैन का होता है. मतलब कि जो गुड्स को सेल आउट करता है वही जीएसटी को फाइल अप करता है. कंज्यूमर जाके खुद जाके जीएसटी ऑफिस में पैसा नहीं देता है. It has subsumed and replaced various indirect taxes that were previously levied by the central and state governments. अगर हिस्ट्री की बात करें, 2003 में हमने एक केलकर कमिटी बनाई थी जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके जीएसटी को लाने की बात कर रही थी, बट उस टाइम पे हमने नहीं लाया. फिर हमने उसे 2010, 16 अलग अलग टाइम पीरियड पे उसे लाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली 2017 में हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, उसे लाया. कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी के बिल को लाने के लिए. अगर बात करें इसकी हिस्टोरिकल, वो तो ऑलरेडी डिस्कस की 122nd बिल है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था वो डील करता है जीएसटी से. इसके अंतर्गत हमने तीन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में चेंजेस किए. पहला 246A, इसके अंतर्गत हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल हैव कॉन्करेंट पावर्स टू मेक लॉज रिलेटेड टू जीएसटी. इसके अंतर्गत मतलब 246A के अंतर्गत हमने डिफाइन किया जो पार्लियामेंट है साथ के साथ स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों मिलकर कॉन्करेंटली, मतलब कि किसी एक की वो नहीं चलेगी, किसी एक की मनमानी नहीं चलेगी. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स पर. उसके बाद 269A, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड वेयर जीएसटी इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट द टैक्स रेवेन्यू प्रोसीड्स टू बी apportioned by the center between the state and center. जैसे कि इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड कंडक्ट हो रहा है, तो इस केस में अगर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स को लेवाई कर रही है, कलेक्ट कर रही है, तो जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से रेशियो में पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बटना चाहिए, वो बताता है हमें आर्टिकल 269A. उसके बाद 279 में हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया कि जीएसटी को टैकल करने के लिए, इससे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे.
अगर इसके फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स इट इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। बेसिकली जो पुराना टैक्स सिस्टम था वो कहीं ना कहीं हर एक यूनिट पर लगता था, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था, सप्लाई पर लगता था, अलग अलग यूनिट्स पर टैक्स लगता था, जिसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। तो सारे कंफ्यूजन को हटाकर हमने सीधा सीधा क्या किया कि जहां पे गुड्स का सप्लाई होगा, मतलब कि जो एंड कंज्यूमर होगा वही जीएसटी को पे करेगा। कंजप्शन बेस्ड टैक्स, मतलब कि जो गुड्स को कंज्यूम करेगा वो टैक्स पे करेगा। ड्यूअल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मॉडल, इसमें हमने ड्यूअल टैक्स मॉडल अडॉप्ट किया, मतलब कि एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, मतलब कि जो सेंट्रल टैक्स लगाई करेगी उससे बोला जाएगा सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाई करेगी उससे बोला जाएगा एसजीएसटी। देन फोर कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत चार कंपोनेंट्स आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सी और एस तो हमने समझ लिया। आईजीएसटी वो होता है अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड कंडक्ट हो रहा है, गुड्स का यहाँ वहां ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में जो टैक्स लगाई किया जाएगा वो होगा आईजीएसटी, और उस टैक्स को फिर दोनों स्टेट्स के बीच में बांट दिया जाएगा। देन यूटीजीएसटी, ऐसा जीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज से कलेक्ट किया जाएगा उससे बोला जाएगा यूटीजीएसटी। देन म्यूचुअल डिसीजन ऑन टैक्स रेट्स, बेसिकली जो हमने जीएसटी काउंसिल बनाई उसमें हमने मेंबरशिप ही ऐसे प्रोवाइड की, या उसको डिसीजन पावर टेकिंग की जो प्रोविजन है वो इस तरह से किया कि कोई भी एक पार्टी, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी का भी दबदबा नहीं होना चाहिए। जो भी कंसेंसस होंगे वो म्यूचुअलिज्म के साथ होंगे। देन मल्टीपल रेट्स, हमने बेसिकली 4 से 5 रेट स्लैब्स रखे, जैसे कि 5%, 12%, 16%, 28%। गुड्स के हिसाब से हम उस पर टैक्स लेवाई करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टैक्स स्लैब्स अवेलेबल है। ये हो गया जीएसटी काउंसिल के लिए और जीएसटी के लिए। बेसिकली इस जो ये जो न्यूज आई है वो ये बात कर रही है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर फी लगते हैं या चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो 28% जीएसटी लेवाई करती है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, सो उस अमाउंट को कम करने की बात की जा रही है। GOM बनाई गई है जो कि डिसाइड करेगी कि हेल्थ और लाइफ को कौन से टैक्स स्लैब में रखना है, क्या उसको जीरो टैक्स के अंतर्गत ले आना है या फिर उस टैक्स रेट को कम करना है। ये सारे क्वेश्चन का डिसीजन GOM करेगी, और नेक्स्ट मंथ नवंबर में जब जीएसटी काउंसिल की मीट होगी तब इस पर फाइनल डिसीजन लेगी काउंसिल कि आखिर किस टैक्स स्लैब में हेल्थ से रिलेटेड टैक्स अप्लाई होगा। कुछ और चेंजेस किए गए, जैसे कि टैक्स ऑन 3 कैंसर ड्रग्स रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 5%। अभी जो मीट हुआ था उसके अंतर्गत कैंसर ड्रग्स पर टैक्स कम कर दिया गया है। कार में जो सीट्स यूज होती है उस पर 18% से बढ़ाकर 28% टैक्स कर दिया गया है। सिमिलर जीएसटी काउंसिल जब नवंबर में मीटअप होगी उस टाइम पे हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में कौन से टैक्स स्लैब्स अप्लाई किए गए हैं। अवर नेक्स्ट न्यूज, प्रधान स्टालिन ट्रेड चार्जेस ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP। NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली तमिलनाडु के जो CMS स्टालिन और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। हो क्या रहा है ना कि पहले हमने एक स्कीम को डिस्कस किया था, PM श्री स्कीम। PM श्री स्कीम के अंतर्गत कुछ स्कूल्स बनाए जाएंगे जो कि बाकी सारे नेबरहुड के स्कूल्स के लिए एज अ रोल मॉडल कंडक्ट करेंगे, मतलब कि उन स्कूल्स के अंदर सारी फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जाएगा और आसपास के स्कूल्स उनसे सीखेंगे किस तरह से जो है एक्टिविटीज कंडक्ट करवानी है। सो उसी के रिस्पेक्ट में समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को पैसा देती है, फंड रिलीज करती है एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस समग्र शिक्षा को या PM श्री स्कूल को अडॉप्ट नहीं किया, सो उनके फंड रिलीज में भी डिले किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात की जा रही है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP को कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसे रिवाइज कर ले रहे हैं। NEP के अंतर्गत हम बात करें कि हम अपनी GDP का 6% जो है वो एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड करेंगे।
हमने अपनी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन के लिए हमने जहाँ 10+2 का मॉडल चल रहा था उसे चेंज कर दिया है, 4 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया उसे। साथ के साथ हमारा एम है कि हम 2030 तक अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल लेवल पर पूरा 100% करें। साथ के साथ हम बात करें कि क्लास 5 तक हम अपनी जो एजुकेशन है वो मदर टंग में प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के प्रोविजंस स्कूल एजुकेशन में किए गए। फिर कॉलेज एजुकेशन के लिए भी हमने टारगेट सेट किए कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसे हम अप्रोक्स 50% तक बढ़ाएंगे, जो अब तक 22.6% पे स्टक है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ के साथ हमने मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का प्रोविजन दे रखा है, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो अगर बीच में किसी रीजन से पढ़ाई छोड़ दे रहा है तो उसे फिर से री एंट्री करके वहीं से अपने कोर्स को शुरू करने का प्रोविजन दिया है। इस तरह से हमने जो है प्रोविजंस डिस्कस किए थे कल की क्लास में। आज फिर इसी पर बात हुई है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, बट चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फंड नहीं रिलीज कर रही है इसलिए उनका स्टेटमेंट आया है कि जो तमिलनाडु है वो एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसके जो स्कूल्स हैं वो भी बहुत बेहतर कंडीशन के साथ वर्क कर रहे हैं। साथ के साथ तमिलनाडु स्पेसिफिक स्टेट की बात करें तो वहां पर 52% ऑफ द क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी है, जो कि हमारा टारगेट है उससे भी बड़ा है। लेकिन चूंकि वहां पे गवर्नमेंट अलग पार्टी की है और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट अलग पार्टी की है इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही है। हमारे लिए पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट था पीएम श्री को रिवाइज करना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करना, जो कि हमने कर लिया। देन नेक्स्ट इज वॉयलेंस बुलडोजर एक्शन आफ्टर आइडल डैमेज इन सूरत। बेसिकली सूरत में देखा गया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने और वहां पे कम्युनल रायट टाइप का हुआ, जिसकी वजह से अभी हम सब जानते हैं गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश जी के जो पंडाल है वहां पर लोगों ने पत्थर फेंक के पंडाल को नुकसान पहुंचाया, वहां के लोगों में से भी कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। हमारे लिए यहाँ पर समझना है बुलडोजर एक्शन को लेकर के। बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर पॉलिटिक्स, इस तरह के टर्म्स हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे स्टेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन पर कुछ क्राइम के लिए उन्हें एक्यूज किया गया है, अगर उन लोगों का रिलेशन देखा जा रहा है कि वो कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व है, कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व है या किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया जा रहा है बुलडोजर की हेल्प से। इसे बोला जा रहा है बुलडोजर जस्टिस। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी रूलिंग प्रोवाइड की है। उनका मानना ये है कि अगर भले ही कोई एक्यूज्ड पर्सन तो छोड़ो, आप कन्विक्टेड पर्सन की भी प्रॉपर्टी को डेमोलिश नहीं कर सकते हो। ये चीजें क्या है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अंडरस्कोर करती है, साथ के साथ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और तो और इस बुलडोजर जस्टिस के नाम पे पूरी फैमिली के साथ इनजस्टिस होता है। एक घर में एक जैसे नेचुरल जस्टिस क्या है हमारा, नेचुरल राइट क्या है हमारा, हमें राइट टू शेल्टर मिलना चाहिए, मतलब हमारे रहने के लिए घर होने चाहिए। उस घर में जिसका एक पर्सन किसी वॉयलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उस घर में बहुत सारे लोग रहते होंगे, इसलिए अगर आप किसी के घर को ही डिमोलिश कर दोगे तो उस एक पर्सन के साथ साथ जो बाकी सारे लोग भी हैं उनका भी तो नेचुरल राइट, राइट टू शेल्टर वॉयलेट होगा, ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होंगे। सो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है कि हमें बुलडोजर जस्टिस नहीं करना है, इस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करनी है। साथ के साथ अगर कंक्लूजन देखें तो इंडिया जो है, इंडिया एक रिफॉर्मेटिव चीजों पर फोकस करता है, प्यूनिटिव मेजर्स अडॉप्ट करता है, मतलब कि उसका मानना ये है कि जो गिल्टी है, जो पर्सन कोई क्राइम कंडक्ट करवाया है, उस क्राइम कंडक्ट किया है, उसके अंतर्गत भी रिफॉर्म होने के चांसेस हैं, उसको चांस मिलना चाहिए कि वो अपने वर्क को सुधार सके, ना कि उसके साथ इस तरह के इनजस्टिस होने चाहिए।
दिस वॉज अबाउट दिस एडिटोरियल. हमने बुलडोजर एक्शन आफ्टर आइडल डैमेज इन सूरत को लेकर के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, अभी तक के पूरे इशू को और उससे रिलेटेड क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, साथ के साथ वे फॉरवर्ड, इन सारी चीजों को डिस्कस किया. देन नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रिफॉर्म स्टक इन अ लूप इन हेल्थ मिनिस्ट्री. बेसिकली देखा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री में तीन मेजर इश्यूज पर डिस्कशन किया गया, जैसे कि रिकॉल गाइडलाइंस, गाइडलाइन ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड नेम्स को लेकर के. बेसिकली क्या होता है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री में ये देखा गया कि CDSCO मतलब कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनके पास कुछ पावर्स रहती हैं, कुछ राइट्स रहती हैं. लेकिन देखो तीन इश्यूज को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है. पहला चीज जो डिस्कस किया गया है वो है रिकॉल गाइडलाइंस. रिकॉल गाइडलाइंस मतलब कि सपोज कोई ड्रग कंट्रोलर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद जब उसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान ये पता चला कि ये ड्रग जो है वो हार्मफुल है, तो उसको रिकॉल बैक करने का, मतलब कि अब जो उसने परमिशन दे दी कि आप इस तरह से इस ड्रग को यूज कर सकते हो, उसको रिकॉल करने को लेकर के इशू सामने आ रहा है कि जो इस पर कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ नहीं है जिसकी वजह से अपने डिसीजंस को रिकॉल बैक करने में प्रॉब्लम आती है, और जो नॉर्मल पीपल्स इस दवाइयों को यूज करते हैं, इन ड्रग्स को यूज करते हैं, उन्हें इस चीज से हार्म होता है. पहला इशू. दूसरा इशू है डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, मतलब कि ड्रग्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, यूज करने के लिए जो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन रहती है उसको लेकर भी कई बार हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि जिस तरह से गाइडलाइंस दी जाती हैं कि किसी ड्रग को स्टोर कैसे करना है, किसी ड्रग को किस टेम्परेचर पे रखना है, क्या प्रेसिपिटेशन रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, इस तरह की गाइडलाइंस को लेकर भी हमारे सामने कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है. तीसरा चीज, कई बार हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी कॉमन मैन को कम समझ में आती है. सो होता क्या है ना कि जो सिमिलर ड्रग्स रहते हैं, सिमिलर ब्रांड नेम के ड्रग्स रहते हैं, उसको कई बार केमिस्ट मिस कंफ्यूज होके या मिस रीड करके गलत दवाइयां दे देता है जो कि लोगों को कई बार नुकसान पहुंचाती हैं. सो इन ये तीन जो है ये मेजर इश्यूज हैं जिन्हें हम 2012 से लेकर कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं. कई बार इस पर स्टेप उठाने की भी बात की गई है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके पास इन पर रूल्स बनाने की लीगल बैकिंग नहीं है. वो उनको उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, या वो जो रूल्स बनाते हैं उन पर कोई बाउंडिंग नहीं है, मतलब कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो इन्होंने रूल्स बनाए उन्हें हर किसी को फॉलो करना है. सो यहाँ पर बात आती है हेल्थ मिनिस्ट्री पर, ये जो प्रोविजन है कि किन चीजों पर कैसे रूल्स बनाना है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की जुरिसडिक्शन में आता है, मतलब कि हेल्थ मिनिस्ट्री के जो रूल्स और लॉज रहते हैं वो बाइंडिंग रहते हैं. सो यहाँ पर ये इशू सॉल्व करने की जरूरत है जो हमारे हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं. तीन मेजर इश्यूज, ब्रांड नेम हो गया, रिकॉल गाइडलाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन हो गया, इन सब चीजों में जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अल्टीमेटली कौन होती है, नॉर्मल पीपल, हमारी जनता जो उन ड्रग्स को यूज करती है. सो जरूरत है कि हम इस चीज में या तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ऐसे पावर्स दें कि उसके बनाए हुए रूल्स भी हमारे ऊपर बाइंडिंग हो, या फिर जो हम हेल्थ मिनिस्ट्री में डिले कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह के इम्पोर्टेंट रूल्स को लाने में, उसे सॉल्व करें. Then next is, next census should be the last enumeration based one. Basically, इसमें census की बात की गई है. So, इस पूरे editorial को समझने के पहले हम समझते हैं census को. Census की अगर history देखी जाए तो बहुत पुरानी है. ऋग्वेदा में भी हमें census से related, मतलब कि कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उससे related records मिलते हैं. सबसे पुराना हमारा हिस्टोरिकली क्या देखा हमने सेंसस को, ऋग्वेदा. दूसरी बात करें अथर्ववेदा, जो मौर्यन पीरियड, सॉरी, जो अर्थशास्त्र है, मौर्यन
पीरियड के दौरान अर्थशास्त्र में भी चाणक्य ने बताया है पॉपुलेशन को काउंट करने से रिलेटेड मैकेनिज्म को। फिर इस तरह से कंटिन्यूअसली अकबर ने अपने आईने अकबरी में भी पॉपुलेशन डेमोग्राफी को पहचानने के लिए मेजर्स बताए। मतलब कि सेंसस कोई नया टॉपिक नहीं है, सेंसस बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और अभी भी हमारे लिए सेंसस बहुत रिलेवेंट है। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मायो ने सेंसस कंडक्ट करवाया था पहली बार, लेकिन वो नॉन सिंक्रोनस था। उसके बाद सिंक्रोनस वे में 1881 से हमने सेंसस कंडक्ट करवाना शुरू किया। उस टाइम पे जो हेड थे, सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के, वो थे W.C. प्लॉडेन। उसके बाद से हमने डिसाइड कर लिया है, या उसके बाद से कंटिन्यूअसली हर 10 साल के पीरियड में हम सेंसस कंडक्ट करते रहे हैं। अगर सेंसस होता क्या है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि हम सेंसस की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली है कि अकबर से शुरू हुआ, ऋग्वेदा से शुरू हुआ, लॉर्ड मायो ने करवाया, W.C. प्लॉडेन थे। सेंसस है क्या? पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डेसिमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा। किसी भी कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कौन सी पॉपुलेशन रह रही है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनकी सोशल कंडीशन क्या है, इस तरह के डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और अवेलेबल करवाना ही सेंसस के अंतर्गत आता है। इसकी अगर नोडल मिनिस्ट्री देखी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसके अंतर्गत आते हैं, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये दो लोग मिलकर के इंडिया के सेंसस को कंडक्ट करवाते हैं। सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th स्केड्यूल में सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट जिनको यूनियन गवर्नमेंट डील करती है, स्टेट सब्जेक्ट जिनको स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट जो कि दोनों मिलकर गवर्नमेंट डील करती है, जिनपे दोनों जो लोग हैं वो अपने अपने रूल्स बना सकते हैं। सो जो सेंसस है वो यूनियन के वो यूनियन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। सिग्निफिकेंस क्या है सेंसस का? पहली चीज, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे पास एटलीस्ट डेटा तो होना चाहिए, कुछ भी करने के पहले हमें किस चीज की जरूरत रहती है, वो है डेटा। सो जो सेंसस है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेकेंड थिंग इज गुड गवर्नेंस। हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नेंस देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि हमारे पास लोगों का डेटा हो। सो गुड गवर्नेंस, अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए सेंसस कंडक्ट करवाना जरूरी है। थर्ड थिंग इज डिमार्केशन। क्या होता है ना, हर साल कह लो या जब जब हमें लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने रहते हैं या स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट होने रहते हैं तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है कि हमारी जो बाउंड्रीज है उसको पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड करता है, जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जो यूनिट्स रहती हैं इसमें ये देखा जाता है कि हर एक जो यूनिट है उसमें से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। मतलब कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव एक यूनिट में 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक रिप्रेजेंटेटिव 100 लोगों को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए हम बाउंड्रीज को डीलिमिट करते हैं, जिसके लिए हमने डीलिमिटेशन बनाया है, मतलब कि बाउंड्रीज को डीमार्केट करते हैं। देन बेटर एक्सेस फॉर बिजनेसेस, हर चीज के बेटर एक्सेस के लिए हम सेंसस कंडक्ट करवाते हैं। इस तरह से अगर अभी क्या देखा जा रहा है, हमारा सेंसस हर 10 साल में होता है, लेकिन अभी हमारा सेंसस होना चाहिए था 2021 में, ड्यू टू COVID-19 हमारा सेंसस डिले हो गया। ठीक है, तो अब क्या सामने आया, हमारे सामने कुछ चीजें सामने आ रही है कि डिले सेंसस होने के कारण हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन इज चैलेंजेस इन फ्रेमिंग पॉलिसी। हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, किसी को भी बेनिफिट देने की बात करते हैं, उस टाइम पे हमारे लिए सेंसस जरूरी है। मान लो हम इंडिया में चालू करना चाहते हैं विमेंस के लिए कैंपेन की, विमेंस की पढ़ाई को बढ़ाओ, तो पहले हमें पता तो रहना चाहिए कि कौन से विमेंस पढ़ी लिखी नहीं है, उनका क्या परसेंटेज है,
कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम एजुकेशन है, उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, पहला चीज। दूसरा, पॉलिटिकल मिस इंटरप्रिटेशन। अगर हमारे पास सेंसस का डाटा नहीं आता है तो कई बार इस चीज को पॉलिटिकली भी यूज किया जाता है और मिस इंटरप्रेट किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा था कि कास्ट सेंसस की बात चल रही थी, उस टाइम पे बोला जा रहा था कि जो जो ओबीसीज हैं, SC ST हैं, वो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो फिर पॉलिटिकली मिसप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड वन इज अनरिलायबल एस्टिमेट्स ऑन वेलफेयर मेजर्स। जो हम वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, उसके लिए भी हमें डेटा की जरूरत रहती है। अगर हमें डेटा सही एस्टिमेट्स नहीं मिलेंगे तो हम कैसे वेलफेयर मेजर्स चला सकते हैं। सो इसलिए बात की जाती है कि सेंसस को कंडक्ट करवाना गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है। गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि सेंसस समय पे कंडक्ट हो, सही तरीके से कंडक्ट हो और हमारे सामने सही डेटा आए। अब बात करते हैं एडिटोरियल की। इसमें बात की गई है कि जो इंडिया में सेंसस कंडक्ट करवाने की एक्टिविटी है, मतलब कि हम इंडिया में कैसे सेंसस कंडक्ट करते हैं हर 10 साल में, इसमें इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि अब हमें वो फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए, हमें नए फॉर्मेट पर शिफ्ट होना चाहिए, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड फॉर्मेट। रजिस्टर्ड फॉर्मेट में क्या होता है ना कि इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट करवाने की बजाय जो डेटा होना चाहिए वो रियल टाइम का होना चाहिए। रियल टाइम मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या पॉपुलेशन का सेंसस है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए बात की जा रही है कि चीजों को डिजिटली कनेक्ट किया जाए। मतलब कि हमने पहले भी एक इनिशिएटिव चलाया था जिसके अंतर्गत हम डेथ और बर्थ रेशियोज को, डेथ और बर्थ के रिकॉर्ड्स को लिख रहे थे। सो बात की जा रही है कि इन चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। एक सेंसस का डेटा होना चाहिए जो कि पीछे से अलग अलग चीजों से कनेक्टेड हो। अगर कहीं पे डेथ हो रही है तो वो डेटा यहाँ पर आके फाइल अप हो जाए, कहीं बर्थ हो रहा है उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाए। हर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, आधार कार्ड हो गए, इन सबके थ्रू हमें सेंसस का रियल टाइम डेटा मिलना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करके हमें सेंसस को और भी ज्यादा रियल टाइम एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है। फिर बात की जा रही है कि ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हमने रिसेंटली अभी क्या करके देखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सबको लिंक करने के लिए हमें कितना सारा वर्क करना पड़ा। सो अभी का सेंसस तो हमें पुराने फॉर्मेट में ही कंडक्ट करवाना चाहिए, बट आगे आने वाली समय में टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इन सबको इंटरकनेक्टिविटी इंश्योर करके रियल टाइम सेंसस डेटा हमें मिल सके उस पर काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट टेकिंग टीबी सीरियसली। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस, इसको लेकर के हमारे सामने एक नया रिजीम आया है। होता क्या है ना कि जो WHO है उन्होंने इनिशिएटिव चलाया है कि उन्हें पूरे ग्लोब को 2030 तक टीबी मुक्त बनाना है, मतलब कि टीबी का एलिमिनेशन करना है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या बात की जा रही है कि हमें इंडिया को टीबी मुक्त भारत बनाना है 2025 तक। इसी रिस्पेक्ट में हम अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं। बेसिकली होता क्या है, पहले टीबी को समझते हैं। टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो एक बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हम कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं, उन ड्रग्स को बोला जाता है फ्रंट लाइन ड्रग्स, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उन ड्रग्स का कंजप्शन इतना बढ़ गया कि ह्यूमन बॉडी ने उसके लिए रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया। फिर हमने स्टार्ट किया यूज करना, इस जो रेजिस्टेंट क्रिएट हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, MDR, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब लोगों के अंदर क्या देखने को मिल गया, MDR। MDR से लड़ने के लिए हमने सेकेंड लाइन ड्रग्स का फॉर्मेशन किया। इसके अंतर्गत टीबी का कोर्स कराया गया,
फिर लोग रिकवर करने लगे। लेकिन अगर सेकेंड लाइन के जो ड्रग्स हैं वो भी काम करना बंद कर दे, तब हम बोलते हैं उसे XDR। XDR के अंतर्गत एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत सारे ड्रग्स काम करना फेल कर देते हैं। सो ये हो गए टीबी के टाइप्स। टीबी को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग कैंपेन्स और प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे कि टीबी मुक्त भारत अभियान, साथ के साथ डॉट्स। डॉट्स एक ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत जो पर्सन टीबी से जूझ रहा है उसे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस सामने देखने को मिले, जो MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके लिए जो कोर्स है वो बहुत लंबा लंबा कोर्स चलता है, 18 मंथ्स का हो गया, 24 मंथ्स का हो गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे मेडिसिन लोगों को यूज करने पड़ते हैं, तो उस चीज को शॉर्ट एंड करने के लिए नई टीबी रिजाइम आई है जिसके अंतर्गत जो ड्यूरेशन है टीबी को ट्रीट करने का उसे कम करके 6 मंथ कर दिया गया है। साथ के साथ उसमें से 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो एम है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का, वो हम जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑन द चैलेंजेस टू रोड सेफ्टी इन इंडिया। इस पूरे एडिटोरियल में रोड सेफ्टी को लेकर के बात की गई है। रिसेंटली इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट्स ऑन रोड सेफ्टी 2024 लाई गई सामने। इसके अंतर्गत देखा गया कि कई सारे स्टेट्स में, मतलब अलग अलग स्टेट्स में बहुत वेरिएबिलिटी है, कहीं पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है। इसने हमें ये भी बताया कि जो इंडिया है ना उसमें 13th नंबर पर रैंक आती है रोड एक्सीडेंट्स की, जिसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है, मतलब कि पहले कुछ डिसीज इन अलग अलग चीजों से डेथ होती है, फिर 13th नंबर पे आता है रोड एक्सीडेंट जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए हमें जरूरत है अपने रोड सेफ्टी नॉर्म्स को और बेहतर बनाने की, ताकि जो लोगों की डेथ हो रही है रोड्स के कारण वो ठीक की जा सके। इस एडिटोरियल में एक और चैलेंज बताया गया है, वो है सर्वेलियंस से रिलेटेड, मतलब कि जो इंडिया में अगर रोड एक्सीडेंट्स का कैलकुलेशन देखा जाए वो कैसे किया जाता है, वो होता है FIR के थ्रू। हम अलग अलग पुलिस स्टेशन से FIR लेते हैं कि कौन से पर्सन की डेथ रोड एक्सीडेंट के थ्रू हुई है। सो जो हमारा इंडिया का सर्वेलियंस सिस्टम है, मतलब कि डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा नहीं है। इसके थ्रू हमें एक्यूरेट डेटा पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की डेथ रोड्स के कारण हो रही है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो रोड नॉर्म्स को तोड़ के एक्टिविटीज करें जिसकी वजह से लोगों की जान को हानि हो रही है। इसलिए हमें इंडिया में कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है, जैसे कि पहला हमारा जो सर्विलियंस सिस्टम है, डेटा कलेक्शन का सिस्टम है, उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम रूल्स बनाते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेवल, मोस्टली जो रोड एक्सीडेंट के केसेस देखे गए वो मोटरसाइकिलिस्ट और ट्रक्स, इन दोनों के बीच में देखे गए। सो हमने रूल बनाए हैं कि हमें हेलमेट पहन के चलना है, बट कहीं ना कहीं स्टेट्स इसके इम्प्लीकेशन में भी थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हेलमेट का यूज कम कर रहे हैं। सो इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, ताकि रोड एक्सीडेंट्स की जो नंबर है वो कम हो सके। साथ के साथ अपने सर्विलियंस सिस्टम को भी सुधारने की बात की गई है। देन नेक्स्ट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट ऑफिसेस इन सपोर्टिंग फार्मर्स। बेसिकली एक स्कीम चलती है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। इस स्कीम के अंतर्गत जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेटेरोलॉजिकल यूनिट्स बनाई है। ये यूनिट्स क्या करती हैं, जो मेटेरोलॉजिकल डेटा है उसे कलेक्ट करके, एनालाइज करके फार्मर्स तक उन्हें प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कुछ समय पहले इन डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को बंद कर दिया गया था। नीति आयोग ने कुछ फाइंडिंग्स देखी, उनका मानना ये था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी
जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो ऑटोमेटेड है, मतलब कि कंप्यूटर से खुद एनालाइज होके सारा डेटा आ जाता है और किसानों को तक पहुंच जाता है। सो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को बंद कर दिया। दूसरी चीज, नीति आयोग के सामने ये भी रिपोर्ट सामने आई कि जो ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैठी हैं, लेकिन सामने देखने को मिला कि जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं वो कुछ चार्ज अप्लाई कर रही है, मतलब कि लोगों से चार्जेस ले रही है, उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को नीति आयोग ने बंद कर दिया। लेकिन ये सारा जो नीति आयोग का जो ये स्टेप था ना, वो लोगों के द्वारा वेलकम नहीं किया गया। लोगों का मानना ये है कि इंडिया में मोस्टली लोग जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो डेटा मिलता है उसी बेसिस पर लोग अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, और जो है इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, इन सारी एक्टिविटीज को, मतलब कि एग्रीकल्चर में जो जो एक्टिविटी होती है उन सबको इस हिसाब से अपने वर्क को कंडक्ट करते हैं। सो इन यूनिट्स को बंद करके कहीं ना कहीं फार्मर्स के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया। सो फिर से बात की जा रही है कि इन यूनिट्स को फिर से ओपन अप किया जाएगा, ताकि जो इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें मौसम से संबंधित जानकारी समय पर मिल सके। ये लोग क्या करते थे, वीक में दो बार फार्मर्स को एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू रियल टाइम का डेटा प्रोवाइड करते थे, ताकि फार्मर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सके। सो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेटेरोलॉजिकल यूनिट्स हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के इस स्टेप को, उनको क्लोज करने के स्टेप को वेलकम नहीं किया गया। जरूरत है कि हम ऐसी यूनिट्स को प्रमोट करें, ताकि जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री, मतलब कि अगर फार्मर्स को डेटा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट लोगों के पास जाएंगे पता करने को। प्राइवेट लोग क्या करेंगे, उन पर हैवी चार्जेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स उनके ट्रैप में फंस सकते हैं। सो इन चीजों को कम करने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मीटियोरोलॉजिकल यूनिट्स को। देन नेक्स्ट इज एट ब्रिक्स समिट इन रशिया, डोवाल में मीट चाइनीज मिनिस्टर वांग यी। 2024 में रशिया में ब्रिक्स की मीट होने वाली है, उस दौरान एक्सपेक्टेड है कि जो हमारे डोवाल जी हैं वो चाइनीज मिनिस्टर से मिलेंगे। इस पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स को समझना। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स को हमने फॉर्म किया था 5 कंट्रीज को मिलाकर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 मिलकर बने थे। उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका को ऐड किया था, तब जाके ये 5 कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स बनाई। 2023 में इसकी मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुई थी, 2024 में इसकी मीटिंग जो है वो रशिया में होने वाली है, जिसे बोला जाएगा 16th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिक्स जो है वो 3.5 बिलियन पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है साथ के साथ, मतलब कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 45% जो पीपल है वो ब्रिक्स कंट्रीज में रहते हैं। अगर इनकी जीडीपी की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी का 28% करीब ब्रिक्स के अंतर्गत आता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितना शेयर होल्ड करती है। अभी हमने रिसेंटली 2023 में ब्रिक्स को एक्सपेंड किया है। पहले जो एग्जिस्टिंग कंट्री थी वो थी रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, उसे हमने बढ़ाया है। और जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, इन सबको ब्रिक्स में मेंबरशिप प्रोवाइड की है। ये 2024 के 1 जनवरी से इफेक्टिव होगा। सो दिस वॉज अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स की अभी मीटिंग हो जाने दीजिए, उस पर क्या रूलिंग आ रही है, क्या नए एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, क्या नए मेमोरेंडम साइन हो रहे, इन सबको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया और यूएई की। इंडिया यूएई इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। बेसिकली हम सब जानते हैं यूएई के
हेड जो है वो इंडिया पर आए, इंडिया आए, उन्होंने न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर के इंडिया के साथ एक डील साइन की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और यूएई को समझना। 1972 से इंडिया और यूएई के बीच में रिलेशनशिप्स बनाए गए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हुए। अप्रोक्स 85 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होता है। पीपल टू पीपल कॉपरेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस, सारे सेक्टर्स में इंडिया और यूएई बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया और यूएई की जो फाइनटेक कंपनीज हैं, उन्होंने भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं समय समय पर कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। कुछ कॉपरेशंस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, यूपीआई इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और आनी जो कि यूएई का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, दोनों ने एक दूसरे को लिंकिंग की है। सेकेंड थिंग, डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को भी हमने इंटरलिंक किया है, रुपे और J1 जो कि यूएई का है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यूएई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है। इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेसिकली हम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक्सचेंजेस बढ़ाने के लिए एक मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर भी हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। देन भारत मार्ट, दुबई में एक भारत मार्ट बनाया गया जो कि इंडियन थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें कि हमारा यूएई के साथ ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स हमने साइन किए, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस भी दोनों कंट्रीज के बीच में हैं। पहला चैलेंज क्या है? चाइना का इन्फ्लुएंस। कहीं ना कहीं चाइना अपना इन्फ्लुएंस यूएई पे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चैलेंज, यूएई का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान पाकिस्तान की तरफ है। यूएई बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान के ऊपर, एंड वी ऑल नो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, सो इसलिए हमारे लिए ये भी एक टेंशन की बात है। तीसरी चीज, काफला सिस्टम। यूएई में जो एम्प्लॉयज हैं उनको पे करने का, उनको वेजेस देने का, उनकी वर्किंग कंडीशन को एडमिनिस्टर करने के सिस्टम को काफला सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली इंडिया के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो यूएई में काम करते हैं, लेकिन उनके साथ कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनके वेजेस स्टैंडर्ड नहीं है, सो ये सारे चैलेंजेस इंडिया और यूएई के बीच में हैं। इन पर काम किया जा सकता है और इन्हें कम भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज केस ऑफ क्लैट टू एमपॉक्स कंफर्म्ड नॉट पार्ट ऑफ करंट WHO इमरजेंसी गवर्नमेंट। हम सबने एमपॉक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है। एमपॉक्स एक डिसीज है जो कि वायरस से होती है, जो कि पायरोवैक्सी फैमिली को बिलोंग करता है, पायरोवैक्सी विराडे फैमिली को बिलोंग करता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो डिसीज है वो मंकी से स्प्रेड होती है, लेकिन बाद में रिसर्च के दौरान ये पता चला कि ये मंकी से स्प्रेड नहीं होती बल्कि रोडेंट से स्प्रेड होती है। ये एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब कि ये एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसफर अप होती है। अब बात करते हैं इस डिसीज की। ये डिसीज सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब कि इसके अंतर्गत ऐसी कैपेबिलिटी है, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर किसी को एमपॉक्स हो जा रहा है तो वो खुद से रिकवर हो सकता है। कोई फैटलिटी क्रिएट होने जैसी सिचुएशन, डेथ होने जैसी सिचुएशन सामने नहीं आती है, लेकिन WHO ने एमपॉक्स को रिसेंटली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो फैलाव है ना, वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ता हुआ नजर आया। सो WHO का ऐसा मानना है कि अलग अलग कंट्रीज को आपस में कोलैब करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे इसके आउटब्रेक को रोकना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एमपॉक्स। आगे चलते हैं, कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारी पहली न्यूज क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
अभी हमने देखा कि कुछ टाइम तक न्यूज में सेबी व उनकी चेयरपर्सन माधवी पुरी कुछ कितनी ज्यादा न्यूज में बनी हुई थी, रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे थे सेबी को लेकर के। सो अब बात की जा रही है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंतर्गत जो ये रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे कि हो गया सेबी, ट्राई, आरबीआई, इन सबको पब्लिक अकाउंट कमेटी के एम्बिट में लाया जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को समझना, ये क्या होता है। ये कमेटीज हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में तीन फाइनेंशियल कमेटीज हैं, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 ने इस कमेटी को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, हमने 1921 से इस कमेटी को फॉर्म करना शुरू कर दिया है। इस कमेटी का टेन्योर 1 साल होता है, हर साल हम ये कमेटी बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि ये कमेटी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कमेटी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को चेक करती है, मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंसेस को चेक करने की कमेटी, ऑडिट करने की कमेटी, जो कैग को भी, कैग का फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी बोला जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटीज को। इस कमेटी के अंतर्गत 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। चेयरपर्सन की बात की जाए, पहले तो मतलब कि लोग आपस में कंसेंसस से चेयरपर्सन बनाते थे, लेकिन 1967 के बाद से एक प्रक्रिया चालू हुई जिसके अंतर्गत ऑपोजिशन पार्टी को ही चेयरपर्सन की पोस्ट दी जाती है। इसे मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज भी बोला जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को स्क्रूटनाइज करना, देखना कि क्या जो ट्रांजेक्शन दिखाए गए वो वाकई में हुए हैं या उन्हें नॉर्मल ऑन पेपर दिखाया गया है, कहीं पे करप्शन वगैरह के चांसेस तो नहीं है। फिर कैग की रिपोर्ट्स को देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, करेक्टिव मेजर्स देना गवर्नमेंट को, ये सारे काम पब्लिक अकाउंट कमेटी के होते हैं। अभी जो रेगुलेटरी बॉडीज है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है, कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। अभी बात करने, अभी न्यूज में पब्लिक अकाउंट कमेटी इसलिए है क्योंकि इनके जुरिस्डिक्शन में रेगुलेटरी बॉडीज को भी लाया गया है। देन नेक्स्ट इज यूविन पोर्टल। हम सब जानते हैं, हमने देखा होगा कि कोविड वैक्सीन के टाइम पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो एक पोर्टल में हो रहा था, वो था कोविन पोर्टल। सिमिलरली अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो है यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल के अंतर्गत 6 साल से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन दोनों लोगों के वैक्सीन को ट्रैक किया जाएगा। मतलब कि जैसे जो 6 साल से कम के बच्चे रहते हैं उन्हें 12-15 वैक्सीन लगवानी पड़ती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को 2 वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए, साथ के साथ देखने के लिए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रॉपर कंडक्ट हुआ या नहीं, उनको रिमाइंडर भेजने के लिए मैसेजेस के थ्रू कि भाई इस महीने आपको ये वाली वैक्सीन लगवानी है, हॉस्पिटल में विजिट करिए, इन सब एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए यूविन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और लोगों की वैक्सीनेशन को ट्रैक किया जाएगा। ये एक मल्टीलिंगुअल पोर्टल है जो कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। इसके अंतर्गत कई सारे अलग डेटास को भी मर्ज किया जाएगा ताकि हमें वैक्सीन अच्छे से ट्रैक हो पाए। देन नेक्स्ट इज द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। बेसिकली अभी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनकी प्रॉपर्टी थी उत्तर प्रदेश में, उसे ऑक्शन करने की बात चल रही है। सो इसलिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट न्यूज में बना हुआ है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में लाया गया था। इंडिया का जिस भी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, जिसके साथ वॉर हुआ है, बेसिकली कौन सी दो कंट्रीज, पाकिस्तान और चाइना, इन दो कंट्रीज के साथ हमने वॉर किए, सो ये दोनों कंट्रीज हमारे लिए एनिमी कंट्रीज है। हुआ क्या,
कई सारे लोग इन कंट्रीज के हमारे यहाँ रहते थे। जब वॉर हुए तो ये लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ कर वापस से चले गए अपने देश, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, यही रह गई। इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत लाया गया और फिर बाद में इस प्रॉपर्टीज को ऑक्शन भी किया जा सकता है। प्रॉपर्टी के अंतर्गत सिर्फ लैंड नहीं आता है, हर वो चीज जो उस पीपल को बिलोंग करती थी वो सारी एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, कस्टोडियन देखा जाए तो एनिमी प्रॉपर्टीज का कस्टोडियन बनाया गया एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट को ही। 1968 एक्ट के अंतर्गत ये वर्क करते हैं। अगर हाईएस्ट नंबर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज है पहले नंबर पे, दूसरा नंबर है वेस्ट बंगाल का। देन नेक्स्ट इज गैलेथिया बे। हम सब जानते हैं निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट को पास किया गया है 2021 में ही, हमने वहां के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट पास किया था। सो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम गैलेथिया बे में, जो निकोबार का एक आइलैंड है गैलेथिया में, एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रांसशिपमेंट हब समझना। बेसिकली क्या होता है, जब जो कार्गो वेसल्स होती है ना, मतलब कि ऐसी शिप्स जो कि गुड्स को यहाँ से वहां ले जाती हैं, वो अगर लंबा डिस्टेंस तय कर रही होती है तो वो एक बार में पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करती है, कहीं ना कहीं बीच में वो स्टे करती है। तो उस स्टे के दौरान मान लो कोई कार्गो यूरेशियन कंट्री से, यूरेशिया से या फिर वहां से ले जा रहे हैं, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, साउथ एशियन नेशंस में ले जा रहे हैं, तो वो जो शिप या कार्गो है ना, वो अपना पूरा पाथ एक बार में कंडक्ट नहीं कराएगी, कहीं ना कहीं वो बीच में सपोज करो श्रीलंका वगैरह में रुकेगी, फिर आगे की जर्नी को तय करेगी। सो ऐसे पोर्ट्स जहां पर जो वेसल्स हैं वो थोड़ा सा आराम करने के लिए या रुकने के लिए जिस पोर्ट का यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ऐसा पोर्ट कोलंबो में है, इसकी वजह से वहां की इकोनॉमी पे बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। सो उसी तरह का पोर्ट हम बनाने की बात कर रहे हैं कि हम निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाएंगे, ताकि वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा। सो इसके लिए हमने क्या किया है, वहां के पोर्ट को हमने मेजर पोर्ट का दर्जा दे दिया है। मेजर पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं और बहुत छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सो अब क्या होगा कि वहां का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। So this was about this Galathea Bay. It is in the Nicobar Island. Next is Madeira River. South America में जो वहाँ की एक river है Madeira, जो कि ब्राज़ील और बोलीविया वाले region में बहती है, उस पर हमें drought like situations देखने को मिली है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो नदी सूख रही है। Madeira River Amazon forests में अमेजन फॉरेस्ट के रीजन में भी बहती है। मैडेरा रिवर जो है वो अमेजन रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्पल कलर की रिवर है वो ये मैडेरा रिवर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैडेरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सो दैट इज अमेजन। कौन से कंट्री में बहती है, सो दैट इज ब्राजील और बोलीविया। So this was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के और interesting session से जुड़ने के लिए join करिए Exact IAS। हमारे Telegram channel, Instagram channel और YouTube channel को like करिए, subscribe करिए, ताकि आपको timely notification मिल जाए किसी भी video से related और आपकी UPSC की journey और भी easy हो जाए। Thank you so much.